दोस्तों नाइट मैनेजर का पार्ट 2 आ चुका है। मैंने इसे देखा और मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूं आपके सामने। उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही हमारे वीडियो को आगे भी देख सकें। दोस्तों पार्ट 2 की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म हुआ था। पार्ट 1 के ख़त्म होने से वापस से पार्ट 2 की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं इस शो का एक लाइन में रिव्यू करना चाहूँ तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यह बढ़िया था, एक सेटिस्फाइड शो दिखाया है इन्होंने एक बेहतर कंटेंट के साथ। अगर आप इसे देखोगे तो ये आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा, बिल्कुल इंटरटेनमेंट शो है तो आप इसे ज़रूर देखें। इस शो की पर्सनल वैल्यू भी काफ़ी बनी हुई है। शो की स्टोरी फ्रेम बाई फ्रेम आगे चलती है। यह स्टोरी थोड़ी स्लो है इसलिए आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन जो पेशेंस रख के सिनेमा देखने वाली ऑडियंस है उसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप भी उनमें से हैं तो इस शो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। शो में कलर लाइटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई गई है, फालतू में किसी भी सीन में डार्क अंधेरा नहीं छाया हुआ है। इस शो में आपको काफ़ी बढ़िया सीन देखने को मिलेंगे, वो भी ट्विस्ट एंड टर्न के साथ, जो आपको बिल्कुल हैरान कर सकते हैं। शो की स्टार कास्टिंग ने बहुत अच्छा काम किया है इसके अंदर, खासकर मैं कहूँगा अनिल कपूर सर ने, उनकी एक्टिंग इसमें एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देती है। या आप इसकी बता भी नहीं सकते कि कितनी अच्छी तरीके से इसमें एक्टिंग की गई है। अब हम बात करें आदित्य रॉय कपूर की, तो उनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया थी। एक्शन से ज़्यादा उन्हें सीरियस रोल करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक सीरियस रोल में वो कितने अच्छे एक्टर हैं ये शायद हमें इसमें देखने को मिलता है। उन्हें एक्शन सीन छोड़कर सीरियस रोल या फिर ऐसे ही रोल ट्राई करने चाहिए। अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो सभी ने बहुत अच्छा काम किया इसके अंदर, ये बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इस शो के अंदर आपको लोकेशन बहुत अच्छी दिखाई जाती है, वो फ्रेम बाय फ्रेम बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है, जो कि बिल्कुल भी फेक नहीं है। इस शो के अंदर काफ़ी एडल्ट सीन और ड्रिंकिंग या स्मोकिंग के सीन भी दिए गए हैं, और कई सी सीन में गाली गलौज भी होती हुई दिख सकती है। तो इसे आप अकेले में ही देखें, घर वालों के साथ शेयर ना करें, और हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।